जब हम कुछ भी बड़ा करने का निर्णय लेते हैं ना, आईआईटी में पहुंचने का, एम्स में पहुंचने का, आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, हमें बाहर की दुनिया में जाने के पहले छोटा सा डर या एप्रिहेंशन होता है, क्या कि अरे हम तो छोटे गांव से हैं, हमें इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, हमारे सामने तो डीपीएस, आरकेपुरम और मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर की बड़ी बड़ी स्कूल के बच्चे हैं, हम उनके सामने कैसे कम्पीट कर पाएंगे, क्या हमारी भी कोई जगह है। ऐसे में ऐसे ही कुछ डाउट मुझे भी थे जब मैं पहली बार कोटा गई थी, जब मैं पहली बार IIIT हैदराबाद गई थी, या जब मैं आईएएस की तैयारी करने दिल्ली गई थी, जहां पर बड़ी बड़ी स्कूलों के बड़े सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी कर रहे थे। किंतु खरगोन से आकर अपनी पूरी प्रारंभिक 12 तक की शिक्षा खरगोन से कर अगर मैं यूपीएससी की इस परीक्षा को एक अटेम्प्ट में निकाल सकती हूँ, तो उससे मुझे यह शिक्षा मिली और लेसन मिला कि आप कहीं से भी आओ, आप ग्रामीण क्षेत्र से आओ या शहरों से आओ, आप ट्राइबल क्षेत्र से आओ या बहुत बड़ी सोसाइटी से आओ, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू हैव इनसाइड यू, आपके अंदर की योग्यता, आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपे वहां पहुंचाती है जहां पहुंचना चाहते हैं। तो आज से आप में से कोई भी बच्चा अपने निर्णय को इस बात से इफेक्ट नहीं होने देगा कि अरे मैं तो खंडवा से आता हूं। दूसरी बात, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई खरगोन की एक स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर से की है। यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वह पूरी स्कूल एमपी बोर्ड पर आधारित है और पूरी स्कूल हिंदी मीडियम में है, क्योंकि उस समय खरगोन में शायद आपकी स्कॉलर्स डेन जितनी अच्छी स्कूल ही नहीं हुआ करती थी। दैट वॉज द बेस्ट स्कूल आई हैड, वहां से पढ़ाई की, किंतु उसके बाद आईआईटी जे कॉलेज, यूपीएससी, हर परीक्षा इंग्लिश में दी। निश्चित रूप से वो थोड़ा ना थोड़ा कठिन था। पहली बार कोटा गई तो मुझे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं समझ आता था। आई केप्ट ट्रांसलेटिंग इन माय हेड। आप लोग सबको पता है ना राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, आपको पता है हम लोग उसको अधिकोण और समकोण बोला करते थे। एंड एवरी टाइम आई वॉज ट्राइंग टू रीड दैट इन कोटा, मेरा आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता था क्योंकि मैं अपने दिमाग में ट्रांसलेट ही करती रह जाती थी। बट दैट पास्ट, धीरे धीरे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, आगे बढ़ी। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू कि यूपीएससी की परीक्षा में लगभग 9 पेपर होते हैं, रिटन होते हैं, 3 घंटे में 250 वर्ड के 20 क्वेश्चन लिखने, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 50 पेजेस। एंड इट इज नोन कि यहाँ पर बड़े बड़े कॉलेजेस के, डीयू के, जेएनयू के ही बच्चे टॉप कर पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश पर कमांड होनी चाहिए। इसमें 2 पेपर ऐसे होते हैं, एक होता है ऐसे जिसमें एक बहुत लंबा सा करीब 40-50 पेजेस भर के ऐसे लिखना होता है, और अंत में एक आईएएस का इंटरव्यू होता है। आप लोगों में से कई लोगों ने वो यूट्यूब की वीडियो देखी होगी ना कि आईएएस के इंटरव्यू में ये सवाल, आईएएस के इंटरव्यू में वो सवाल। इट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। उस इंटरव्यू में लगभग 40 मिनट तक एक बंद कमरे में 5 बड़े लोग आपको घेर कर रखते हैं और लगातार सवाल पूछे जाते हैं, जो नेचुरली मेरा मीडियम इस बार इंग्लिश था तो इंग्लिश नहीं थे। वह लड़की जो खरगोन से आई, हिंदी में पढ़ा, उसके इसी ऐसे और इंटरव्यू के विषय में ऑल इंडिया 2nd या 3rd हाईएस्ट मार्क्स आए। दैट शोज की भाषा आपकी सफलता में बाधक नहीं है। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, व्यक्त कर पाते हो, और कितने आत्मविश्वास से, कितने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पाते हो। अगर वो कर पाए, देन रियली डजंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू कम फ्रॉम। समय आया इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का, तब डिसाइड करना था कि आखिर लाइफ में करना क्या है। इंजीनियरिंग तो कर ली, जॉब ऑफर भी आ गया क्योंकि मैंने जर्मनी से इंटर्नशिप की थी, वहां से मुझे प्लेसमेंट ऑफर मिल गया। एक ऑप्शन था कि चूंकि मैं रिसर्च की स्टूडेंट हूँ, जीआरई की तैयारी करके यूएसए से जाकर एमएस कर लेते हैं। एक ऑप्शन था जॉब कर लेते हैं, एक ऑप्शन था एमबीए की तैयारी कर लेते हैं, एक ऑप्शन था यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं। अलग अलग स्टूडेंट्स, मेरी ही क्लास के दोस्त अलग अलग फील्ड में जा रहे थे। भाग्य से मेरा कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए बहुत जाना जाता है। मेरे मैक्सिमम फ्रेंड्स गूगल, फेसबुक में, यूएसए में 1-1 करोड़ के पैकेज लेकर गए। कहीं ना कहीं मेरा मन किया कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, बट मेरा मन वहां शायद ही लगेगा।
मेरा मन था कि मुझे इस देश में रहकर फील्ड में काम करना है, समाज के लोगों के लिए काम करना है, जहां से मैं बढ़कर ऊपर आई हूं उन्हीं के लिए काम करना है, फिर चाहे कितने ही करोड़ों के पैकेज छोड़ने पड़े। और इसलिए डिसीजन लिया कि सब छोड़ो, आईएएस की तैयारी करते हैं और जो टेक्नोलॉजी, जो स्किल कॉलेज में सीखी है वो यहाँ पर लगाते हैं। वह 2 साल जब मेरे सारे फ्रेंड्स फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर सुंदर सुंदर फोटोज डाल रहे थे अपनी ज्यूरिख, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की कंपनीज के सामने, उस समय दिल्ली के एक छोटे से पीजी में 14-14 घंटे किताबें पढ़कर, चश्मा लगाकर, सोशल मीडिया को बंद करके, सोशलाइजेशन और पार्टी छोड़कर मैं पढ़ाई कर रही थी। बहुत डिफिकल्ट होता है, आप सब जानते हैं, आप लोग सब सोशल मीडिया की जनरेशन है, बट ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट का दिन था ना वो सबसे मीठा था, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। यहां पर मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि जो मैंने किया वो सबसे बेस्ट है और बाकी सारी फील्ड्स का कोई महत्व नहीं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, लॉयर्स हर तरह से अपने अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या करना चाहते हैं ये आपको तय करना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा, लोगों से हटकर सोचना पड़ेगा, और अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसके पीछे भरकर मेहनत करके तब तक उसके पीछे पड़ना पड़ेगा जब तक सफलता नहीं मिलती। उस बीच में आपको चाहे दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़े या कितने भी सैक्रिफाइस करने पड़े, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आखिरी में बस बात करना चाहूंगी स्कूल लाइफ की, क्योंकि आप सब स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स हम सब एकेडमिक्स में अच्छे स्टूडेंट्स थे, हर साल स्कूल में टॉप करना होता था, बट मुझे नहीं याद कि किसी भी साल ऐसा स्कूल का गया हो जब सिर्फ पढ़ाई थी। और आई एम श्योर एक मिसपरसेप्शन बना हुआ है कि आईएएस की पढ़ाई में 16-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, खूब सारी किताबें पढ़ने वाले, खूब सारा बाल में तेल लगाकर चश्मा लगाने वाले सिंसियर बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। नो, दिस इज रॉन्ग। आज के जमाने में हार्डवर्क के ज्यादा स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडीज भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, जो आपको आगे तक काम आते हैं। जिस तरह से ये सारे जो स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं ना, चश्मा वश्मा लगाती हूँ बैठी है मजे से, ये सारे काम मैंने भी किए हैं। पूरी स्कूल, कई सारी डिबेट कॉम्पिटिशन, भाषण प्रतियोगिता, कविताओं की प्रतियोगिता, डांस, सिंगिंग, जो भी मौका मिलता था उसमें भाग लिया। कॉलेज में जाकर, जैसा कि आपको बताया गया, एक एनजीओ की शुरुआत करी जिसमें हम कॉलेज के ही स्टूडेंट्स मिलकर आसपास के स्लम स्टूडेंट्स को फ्री में क्लासेस लेते थे। कॉलेज में भी पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर पब्लिश कराने की कोशिश की। इन सब से फायदा ये हुआ कि जब मेरा आईएएस का इंटरव्यू हुआ तो उनके सामने एक बड़ा सा बायोडेटा रखा होता है, तो उनके पास पूछने के लिए इतना कुछ था कि अच्छा आपने इस फील्ड में काम किया ये बताइए, आपकी हॉबी ये है वो बताइए, तो आपका कुछ भी करा हुआ वेस्ट नहीं जाता। ये चीज मुझे मेरे पापा ने सिखाई थी और वो सच में काम आती है। दूसरी बात, किताबें पढ़ना है पर किताबी कीड़ा नहीं बनना है। यू शुड बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? न्यूज़पेपर। आप लोग सब तो थोड़े छोटे स्टूडेंट्स हैं, बट जो इधर की मुझे लेन दिख रही है ना, 9th to 12th में यू आर मैच्योर इनफ कि आप दिन भर में आधा घंटा न्यूज चैनल या अखबार देने को दे दें। अच्छा, आपको पता है खरगोन के बारे में? सबको पता है ना, खंडवा खरगोन में कौन सी फसलें सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है? कोई एक दो नाम बताएगा? अरे वाह, क्या बात है, आप आईएएस बन जाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे आईएएस के इंटरव्यू में जब मैं सोच के रही थी कि मुझसे बड़ी बड़ी चीजें पूछी जाएंगी, आपको पता है सबसे पहली चीज क्या पूछी थी? उन्होंने देखा गरिमा अग्रवाल, खरगोन, उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि बताइए व्हाइट गोल्ड किसको कहते हैं, सफेद सोना किसको कहते हैं? कॉटन। वो उसने पहले ही बता दिया। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद पूछा, अच्छा वहां पर कॉटन ज्यादा होता है तो क्या क्या समस्या है किसानों को,
किस तरह से कॉटन की फसल अब फेल हो रही है, क्या प्रॉब्लम है व्यापारियों को, भारत को चाइना से कम्पीट करना है तो कैसे करें, वो सब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हो गए। बट शुरुआती क्वेश्चन तो देखो आप लोग भी दे पाए, मतलब क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चंस वो है जो आप आसपास देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड है वो आईएएस है चेन्नई में, अभी उनने लिखी थी अपनी हॉबी कुकिंग। उन्होंने इस बात की शर्म नहीं की कि मैं 25 साल का लड़का हूं और कोई हंस देगा कि मेरी हॉबी कुकिंग है, जो है वो लिखा। उनसे क्या पूछा गया, वो राजस्थान के हैं, कि अच्छा दाल बाटी की रेसिपी बताओ एक मिनट में, अच्छा बताओ साउथ में खाना कौन से तेल से बनाया जाता है, कहीं तिल्ली के तेल से, कहीं नारियल। ऑल आई एम ट्राइंग टू से हियर कि आपके जो हॉबीज हैं, आपके जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा, उन पर सच में काम कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वह सब आगे भी काम आएगा। और जब जब आप टेंशन में रहेंगे ना पढ़ाई की, वो आपकी स्ट्रेस को रिलीव करेंगे। और अपने आसपास क्या हो रहा है उस करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ी सी अवेयरनेस करनी। और आखिरी में बात पढ़ाई की, जो आई थिंक आज के ओकेशन पे कोई भी पढ़ाई की ज्यादा बात करना चाह नहीं रहा होगा, बिकॉज इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन डे टू डे, बट स्टिल एज आई सेड एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पढ़ाई कैसे करें। पता है जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है खरगोन में, लगभग 2 से 4 बच्चे हर रोज मेरे घर आते हैं, मम्मी बताएंगी, क्योंकि चाय तो उन्हें ही बनाना पड़ता है, तो शीज वो थोड़ी परेशान रहती है। रोज 2 से 4 स्टूडेंट्स आते हैं, वो चाहे घर के हो या कॉलेज के हो, कि मैडम हमें भी आईएएस बनना है, कैसे पढ़े। और उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होता है पता है, कितने घंटे पढ़ते थे आप। जब मीडिया में भी इंटरव्यू आते हैं ना, जब किसी का आईआईटी में सिलेक्शन होता है, नीट में होता है, राघव से भी बहुत लोगों ने पूछा होगा सिलेक्शन के बाद कि कितने घंटे पढ़ते थे, और मैं बोलती हूँ 8 घंटे 10 घंटे 14 घंटे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है आप किस तरह से पढ़ते हैं, सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, और किस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं, है ना। उसका एक सिंपल तरीका जो मुझे जीवन भर काम आया वो आपसे शेयर करना चाहूंगी, एंड दैट इज टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट। आप में से कई लोग 10th में होंगे, 10th बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपका क्लास फेलो बड़ा स्टूडियस होगा, 8 घंटे पढ़ेगा, कोई 4 घंटे वाला भी टॉप कर लेगा, कैसे। वट आई यूज टू डू इन यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी के सबसे कठिन एस्पेक्ट यही है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, इस सूरज के नीचे संसार में जो भी होता है वो सब उस परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो हर रात को सोने के पहले मेरे पास अगले दिन क्या पढ़ने वाली हूँ उसका पूरा टाइम टेबल तैयार रखती हूँ, सिर्फ उस दिन का ही नहीं पूरे महीने का। महीने की पहली तारीख को मुझे पता होता था कि इस महीने की 10वीं तारीख को सुबह से लेकर शाम तक मुझे क्या क्या पढ़ना है। सुबह के 3 घंटे में ज्योग्राफी का एक्स चैप्टर पढ़ूंगी, दोपहर में मैं फिलोसफी का वाई चैप्टर पढ़ूंगी, और रात में मैं न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के ये आंसर्स लिखूंगी। और इस तरह से मंथ बाय मंथ मेरा टाइम टेबल बनता था, और फिर चाहे कुछ हो जाए, जब तक उस टाइम टेबल में जितना लिखा हुआ है वो लगभग 90% कंप्लीट नहीं होता था, मैं नहीं सोती थी। अब अगर 8 घंटे में खत्म हो गया तो बढ़िया, रात में पिक्चर देख के सो जाओ, अगर 14 आवर्स तक भी नहीं कंप्लीट हो तो 14 आवर्स पढ़ाई करो। ट्रस्ट मी, अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो कभी पढ़ाई के पहले टेंशन नहीं होगी एग्जाम के पहले, क्योंकि समय में ही आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे होते हैं ना एग्जाम टाइम पे बहुत टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक कर देते हैं, पेपर बिगड़ जाता है, आई थिंक दिस इज बिकॉज उनके सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाते। सो आई थिंक टाइम टेबल मैनेजमेंट इज वन लेसन और मैसेज जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्डवर्क। बहुत क्लीशे सा साउंड करता है, सब बोलते होंगे टीचर्स यहाँ पे सब बैठी है क्लास में बोलती होगी मेहनत करो तो आगे बढ़ेंगे, घर में मम्मी पापा भी बोलते होंगे कि मेहनत करो तो आगे बढ़ेंगे, पर आपको पता है ये कड़ी मेहनत वाला कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है ना उतना ही कठिन है। और ये स्कूल अग्रवालों की है, पर हमारे बलियों में ना तो जीन्स में ही हार्डवर्क है, क्योंकि हम किसी और के लिए काम नहीं कर रहे होते, क्यों भैया, रात में 10 भी बज जाए तब नहीं काम कर रहे, तो हमारे तो जीन्स में ही हार्डवर्क है। We don't care क्या टाइम हो रहा है, संडे को भी ऑफिस जाते हैं। तो आई थिंक ये जो हमारी जेनेटिक स्ट्रेंथ है वो हम सबको अपनानी है कि काम करने से नहीं घबराना है, एंड देन देखिएगा कि आपको क्या फल मिलता है।
इसी मैसेज के साथ, आशा के साथ आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट, एक आशा लेकर जाती हूँ कि अगले 4-5 सालों में जब आपकी सबसे सीनियर बैच ग्रेजुएट होगी, आप में से एक बच्चा आईएएस बनेगा, मैं फिर से स्कॉलर्स डे आऊंगी, वो मंच पर होगा, मैं नीचे होंगी, उसके सम्मान में ताली बजाऊंगी, और इस आशा के साथ, विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।